तो स्वागत है आपका दोस्तों दोबारा एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियो में जाना था कि आज के इंडियन पंजाब में कितने हिंदू रहते हैं, तो वो तो आपने जान लिया था कि आज के इंडियन पंजाब में हिंदूज की आबादी 38% है। और आपने हमारे पिछले वीडियो से ये भी जाना कि अगर चलो ओवरऑल पंजाब में हिंदू 38% है, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में कितने, हर तहसील में कितने, सिटी टाउन में कितने, लोकसभा विधानसभा एंड इवन विदाउट बाउंड्री भी आपने हिंदू पॉपुलेशन पंजाब की एक्सप्लोर करी थी। अगर आपने इस वीडियो देखने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, तो आपको अभी का वीडियो ज़्यादा समझ आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो अभी इस आज की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि जो आज का इंडियन पंजाब है, जो आज के इंडियन पंजाब का एरिया है, ईस्ट इंडियन पंजाब का, अगर हम हरियाणा हिमाचल को इंक्लूड ना करें, तो आज के जो इंडियन पंजाब का एरिया है उसमें 1947 से पहले कितनी हिंदू आबादी थी। क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि 1947 से पहले मुस्लिम्स भी रहते थे इस साइड, और वेस्ट पंजाब में हिंदू सिख भी रहते थे। तो अगर हम 1947 से बात पहले की बात करें, तो आज के इंडियन पंजाब विदाउट इंक्लूडिंग हरियाणा एंड हिमाचल, आज के इंडियन पंजाब का जो एरिया है उस एरिया में कितने हिंदू रहते थे, तो आज हम उसके बारे बात करने लगे हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, सिटी टाउन लेवल पे 1947 से पहले आज के इंडियन पंजाब वाले एरिया में कितने हिंदूज रहते थे। तो अब हम बिना कोई इंट्रोडक्शन हो गए मेरे हिसाब से, तो बिना मतलब देरी किया वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले एक पाई चार्ट देख रहे हैं, तो 1941 सेंसस के हिसाब से आज के इंडियन पंजाब का एरिया में 39% मुस्लिम्स थे। हाँ जी, काफ़ी मुस्लिम्स थे, मेजोरिटी कोई भी नहीं था, प्लोरलिटी थी, मेजोरिटी तो कोई भी नहीं था, बट फिर भी 39% मुस्लिम थे, 37% सिख्स थे और 22% हिंदूज थे। आपको ये जान के बड़ी हैरानी हो रही होगी कि आज के इंडियन पंजाब वाले एरिया में 1947 से पहले 39% मुस्लिम थे, बट हाँ दोस्तों ये बात सच है, काफ़ी मुस्लिम्स थे इधर। अब आप समझो मुस्लिम मेजोरिटी नहीं था, मुस्लिम प्लुरैलिटी थी। अगर मुस्लिम नॉन मुस्लिम करें तो नॉन मुस्लिम ज़्यादा थे, क्योंकि हिंदू सिख दोनों नॉन मुस्लिम हैं। तो 37 + 22% कितना होगा, 59%, और +2% भी, क्योंकि जिसमें जैन क्रिश्चियन बौद्ध भी आ जाते हैं, तो 61%। तो 61% नॉन मुस्लिम, 39% मुस्लिम थे। तो इंडिविजुअली बात करें तो मुस्लिम ही ज़्यादा थे, तो 39% मुस्लिम थे, 37% सिख, 22% हिंदू और 2% अदर्स, जिसमें जैन क्रिश्चियन बौद्ध वगैरह आ जाते हैं और इवन एथियस्ट भी। तो अब हम देखते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और इवन टाउन लेवल पे कितने हिंदूज थे आज के इंडियन पंजाब वाले एरिया में 1947 से पहले। ये तो आपको पता लग गया कि 22% थे। अब आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं हम। तो सामने मैप नज़र आ रहा है, और हमने मैप में साफ साफ मेंशन किया है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैप है। तो उस टाइम की बाउंड्री से आज की बाउंड्री में काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि उस टाइम के पंजाब में, आज के इंडियन पंजाब के वाले एरिया में अंदर रियासतें भी आती थी, तो रियासतों के अपनी बाउंड्री थी, जो कुछ एरिया ब्रिटिश के अंडर डायरेक्ट था और कुछ इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट वाले थे रियासतें वाला एरिया, जैसे पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, फरीदकोट। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदू होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में थे। मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है होशियारपुर एक्सक्लूडिंग ऊना, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में शुरुआत में मेंशन किया कि हम आज के इंडियन पंजाब की बात कर रहे हैं, हम हरियाणा हिमाचल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आज का जो इंडियन पंजाब का एरिया, प्रेजेंट एरिया, उसमें बात कर रहे हैं। तो हमने अपने ऊना को एक्सक्लूड किया है, ऊना वाले पार्ट को। नहीं तो अगर ऊना को इंक्लूड करते तो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की जो हिंदू पॉपुलेशन आनी थी 49% आनी थी। तो ऊना को हमने एक्सक्लूड कर दिया, ऊना को इंक्लूड नहीं किया। तो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में 1947 से पहले 1941 सेंसस के मुताबिक 41% हिंदू थे, 41.7 लिखा है, 42% मान लीजिए। उसके बाद रोपड़ खरड़ वाले एरिया में, तो उस वक्त क्या था, रोपड़ खरड़ जो एरिया था जब ब्रिटिशर्स का रूल था 1947 से पहले, तो ये अम्बाला जिले के पार्ट होते थे, तो ये अम्बाला जिले की तहसील होती थी अलग। तो इन दोनों तहसील्स में, अगर अकेले इन दोनों, क्योंकि हमने आज के दिन में जो आपकी बात करनी है, तो इन दोनों तहसील्स का जो एरिया दोनों को मतलब एवरेज करके, तो इस एरिया में रोपड़ और खरड़ वाले एरिया में 30% हिंदूज हुआ करते थे। उसके बाद जलंधर डिस्ट्रिक्ट, जलंधर डिस्ट्रिक्ट में 28% हिंदूज थे,
गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक्सक्लूडिंग शक्करगढ़, क्योंकि 1947 से पहले शक्करगढ़ भी गुरदासपुर ज़िले का पार्ट होता था 1947 तक। तो हमने जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, बार बार मेंशन करूँगा कि ताकि आप तो कन्फ्यूज़ ना हो कि हमने इस गुरदासपुर हमने में शक्करगढ़ इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हम आज के इंडियन पंजाब के एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ आज के मॉडर्न बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। तो 20% हमने शक्करगढ़ को अगर एक्सक्लूड करो तो आज के गुरदासपुर, मतलब सॉरी आज का नहीं, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ब्रिटिश गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में 20% हिंदूज थे। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 15% हिंदूज थे। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें इस ब्रिटिश फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मोगा, मुक्तसर, फाजिलका भी आए थे, जिसमें 20% हिंदूज थे। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में 21% हिंदूज। तो तरन, आज के तरन तारण का जो पट्टी एरिया, उस टाइम पे लाहौर ज़िले की कसूर तहसील में आता, अब तो कसूर भी ज़िला बन गया, तो वो वाले एरिया में 8% हिंदूज थे। उसके बाद हम अगर बात करें कपूरथला रियासत में, कपूरथला कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था ब्रिटिश इंडिया का या ब्रिटिश पंजाब का, वो एक रियासत थी, तो उस रियासत में 16% हिंदूज थे। अगर फरीदकोट रियासत की बात करें तो उसमें 11% हिंदूज थे 1947 से पहले। मलेरकोटला रियासत में 26% हिंदूज थे, यस 26% आज भी इसी के करीब हैं कुछ। तो उसके बाद अगर हम बात करें पटियाला रियासत में 16% हिंदूज, मैंने इसमें स्पेशली मेंशन किया है पटियाला के अंडर कि हाँ जी एक्सक्लूडिंग HR HP, मतलब हरियाणा हिमाचल के एरिया से इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उस वक्त पटियाला रियासत में कुछ हरियाणा हिमाचल के एरियाज थे, जैसे पटियाला में कौन से हरियाणा के एरियाज आते थे, नरवाना, नारनौर, महेंद्रगढ़, और हिमाचल के कौन से एरियाज आते थे, सोलन वगैरह के एरियाज, हरियाणा के एक पिंजौर वाला एरिया भी आता। तो मैंने इसमें स्पेशल मेंशन किया कि हमने ये एरियाज इंक्लूड नहीं किए हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पटियाला रियासत की 16% हिंदू, जो कि पटियाला रियासत उसका जो भी आज की इंडियन, मैं उल्टा बोल गया, इंडियन आज की इंडियन पंजाब का जो एरिया उस वक्त ही पटियाला रियासत में पड़ता था, उसमें उसके हिसाब से पटियाला रियासत की हिंदू आबादी 16% थी। नाभा रियासत, इसमें भी मैंने साइड में पहले आप पढ़ लीजिए, हिंदू पॉपुलेशन फॉर प्रिंसली स्टेट्स लाइक पटियाला, नाभा एंड जींद एक्सक्लूड्स एरिया एंड पॉपुलेशन विच आर नाउ पार्ट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल। तो उस हिसाब से नाभा के पास भी हरियाणा का कुछ एरिया था, तो वो इंक्लूड नहीं किया गया, तो उसके मुताबिक नाभा की हिंदू आबादी 13% थी। और जींद रियासत का भी हमने हरियाणा एरिया इंक्लूड नहीं किया, तो उसके मुताबिक जींद की हिंदू आबादी 19% थी। इंक्लूड इसलिए नहीं किया, मैं दोबारा फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम आज की इंडियन पंजाब की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने हरियाणा हिमाचल के एरियाज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपको पता लग गया। अब इसमें अब जैसे यार पटियाला आप देख रहे हो, पटियाला रियासत भी बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें बठिंडा से लेके क्या अपने आज के डेरा बस्सी तक का एरिया आता था, इतना लंबा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 150-200 किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया, मतलब अगर एक स्ट्रेच की बात करें वेस्ट टू ईस्ट, तो इतना बड़ा एरिया आ जाता था, और मानसा से लेके कहाँ पायल दुराहा तक का एरिया आ जाता, तो इतने बड़े एरिया को कि एक, मतलब जो हिंदू पॉपुलेशन है वो इवन तो होगी नहीं, अलग अलग एरियाज में अनइवन होगी। तो हमने पटियाला सेंसस जो 1941 में सेंसस हुई थी उसको भी हमने आगे एक्सप्लोर किया है, तो उसके हिसाब से भी हमने क्योंकि पटियाला रियासतों ने भी अपने अंडर ज़िले वगैरह बना रखे थे, तो हमने पटियाला ज़िले की जो जो उन्होंने अपने ज़िले बना रखे थे, जो आज के मतलब इंडियन पंजाब के एरिया जो उनके ज़िलों में पड़ता था, उसके हिसाब से भी हमने एक मैप तैयार किया है, वो मैप हम आपको दिखाने लगे हैं। तो आज के इंडियन पंजाब में के एरिया जो था उसमें पटियाला रियासत के 4 ज़िले पड़ते थे, अनहदगढ़, करमगढ़, बस्सी डिस्ट्रिक्ट, पटियाला डिस्ट्रिक्ट। तो यह आपने देख ही लिया होगा, 4 ज़िले मैंने बना दिए हैं। करमगढ़ जो ज़िला था, मतलब कि सुनाम ज़िला, उसमें 16% हिंदू थे। अनहदगढ़ ज़िला जो कि बरनाला ज़िला, उसमें 13% हिंदू थे। बस्सी ज़िला जो कि मतलब धूरी ज़िला, उसमें 14% हिंदू थे। और पटियाला डिस्ट्रिक्ट में 28% हिंदू। ये चारों डिस्ट्रिक्ट पटियाला रियासत के हैं, ये ब्रिटिश पंजाब के नहीं हैं डिस्ट्रिक्ट। तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको समझ लग ही गया होगा कि कितनी हिंदू आबादी थी आज के इंडियन पंजाब में 1947 से, आज के इंडियन पंजाब वाले एरिया में 1947 से पहले। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा तहसील लेवल पे दिखा देता हूँ, ये रहा तहसील लेवल का मैप, और अब आप देख रहे होंगे कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। अब इसमें आपको पता लग गया है कि भाई बिल्कुल भी इवन नहीं थी पॉपुलेशन। अब इसमें मैंने कपूरथला रियासत, फरीदकोट रियासत, नाभा रियासत की भी तहसीलें मैंने आपको दिखा दी हैं,
इवन जींद रियासत की भी। तो अब तहसील वाइज बात करें, सबसे ज़्यादा जो था ना हिंदूस आज के टाइम के मुताबिक तो पठानकोट में वाली साइड है, बट उस टाइम पे पठानकोट वाली साइड सबसे ज़्यादा हिंदूज नहीं थे, सबसे ज़्यादा हिंदूज थे नंगल अनंतपुर साहिब वाला एरिया, जो कि उस टाइम पे अंग्रेज़ों के टाइम पे ऊना जिले ऊना तहसील में पड़ता था। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम आज के इंडियन पंजाब की बात कर रहे हैं, तो हम नहीं इंक्लूड करने वाले हरियाणा हिमाचल के एरिया, तो आज के इंडियन पंजाब की बात करेंगे। तो आज के इंडियन पंजाब का नंगल अनंतपुर साहिब ऊना तहसील में पड़ता था, तो ऊना तहसील का जो एरिया हमने काट के कैलकुलेशन करके तो हमने निकाला कि सबसे ज़्यादा हिंदू तहसील वाइज अगर बात करें तो नंगल अनंतपुर साहिब की में ही थे। अगर हम पूरी ऊना तहसील की बात करते तो फिर तो 78% हिंदू आए थे, पर हम सिर्फ नंगल अनंतपुर से एरिया लेंगे ऊना तहसील का, उस वक्त की ऊना तहसील का, तो उसमें 60% हिंदूज थे। उसके बाद पठानकोट नॉर्थ में 54% हिंदूज, उसके बाद होशियारपुर के साउथ में गढ़शंकर 52% हिंदूज। आप देख सकते हैं होशियारपुर दसुआ ये जो हाईली हिंदू एरियाज हैं आज के टाइम पर 1947 से पहले, यहाँ भी 35% ही हिंदूज थे। अब जैसे फगवाड़ा देख सकते हैं, नवाशहर, फिलौर, इनमें भी हिंदू पॉपुलेशन 60% है आज के टाइम में, बट उस टाइम पे 32-34% थी। जलंधर सिटी के आसपास के जो एरियाज हैं वो आज के टाइम पे आप देखिए 70% हिंदू हैं, बट 1947 से पहले ये भी 28% ही हिंदू थे इधर। फिर उसके बाद कपूरथला 12%, कपूरथला तहसील, उस टाइम पे शायद सुल्तानपुर लोधी और बुलत भी कपूरथला तहसील में, फगवाड़ा तहसील लगती, और उसमें 12%, कोदर में 17%, अगर ऊपर से फिर से मांझा की बात करते हैं पठानकोट 54%, गुरदासपुर 17%, बटाला 9%, अमृतसर 22%, अजनाला 6%, तरन तारण 7%, और पट्टी जो एरिया था कसूर तहसील का उस एरिया में 8%। अगर मैं मालवा रीजन में वेस्ट साइड से बात करूँ तो फजिलका तहसील में, जो फिरोजपुर जिले के फजिलका तहसील, उसमें 37% हिंदू थे 1947 से पहले, मुक्तसर 17%, फिरोजपुर 18%, ज़ीरा 9%, मोगा 11%। फरीदकोट रियासत की दो तहसीलें थी फरीदकोट एंड कोटकपूरा, तो एक में 12%, एक में 10%। अब अगर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें तीन तहसीलें, जगराऊं, लुधियाना, समराला। जगराऊं में 15% हिंदू थे, लुधियाना में 21%, समराला में 27%। उसके बाद मलेरकोटला में 26% हिंदू थे, बड़ा छोटा सा एरिया था मलेरकोटले का। अगर अब मैं बात करूं रोपड़ तहसील में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में मैंने दोनों की पॉपुलेशन क्लब करके आपको बताया था 30%, पर अगर इंडिविजुअली बात करें रोपड़ तहसील में 23% हिंदू थे और खरड़ तहसील में 37% हिंदू। उसके बाद अगर हम बात करें राजपुरा, पटियाला, सरहिंद, ये तीनों तहसीलें थी पटियाला रियासत की, पटियाला ज़िले की, तो सरहिंद 21% हिंदू, पटियाला 30% एंड राजपुरा 32% हिंदू थे 1947 से पहले। अगर हम पटियाला रियासत के करमगढ़ ज़िले की बात करें, उसमें दो तहसीलें पड़ती थी सुनाम और भवानीगढ़, एक में 21% हिंदू थे, एक में 22% हिंदू। उसके बाद अगर हम बात करें मानसा तहसील 12% हिंदू, बठिंडा 14% हिंदू, बरनाला 12% हिंदू। अब अगर हम दोस्तों संगरूर तहसील की बात करें जो जींद रियासत की, उसमें 19-20% हिंदू थे 1947 से पहले। अगर हम नाभा रियासत की तीन तहसीलों की बात करें, जैतों, फुल, नाभा, नाभा तहसील में 20% हिंदू, फुल में 9% और जैतों में 10%। तो ये तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि कहाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज 1947 से पहले आज के इंडियन पंजाब में कितने परसेंट हिंदू थे। अब मैं आपको सिटी टाउन वाइज बताने लगा हूँ। अगर आपको दोस्तों कंपेयर करना है आप हमारे पिछली वीडियो को भी जाके देख सकते हैं जिसमें हमने आज की बात करी है, तो अब मैं 47 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप सिटी टाउन लेवल पे मैं बताऊँगा सिटी टाउन, हर सिटी टाउन के हिसाब से हर सिटी टाउन में कितने परसेंट हिंदू थे कहाँ पे। अगर कोई छूट गया दोस्तों मैप तो सामने आप देख ही सकते हैं, पठानकोट में 39% थे हिंदू शहर में, अगर मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, गुरदासपुर में 35%, बटाला में 27, अमृतसर 36%, तरन तारण 22%, पट्टी 16%, दसूआ में 26% हिंदू थे, होशियारपुर 43%, जलंधर 35% थे, कपूरथला में 34, फगवाड़ा पहले भी हिंदू मेजोरिटी था, आज भी हिंदू मेजोरिटी है, फगवाड़े में पहले 50% हिंदू थे, नवाशहर में पहले 63% हिंदू थे, नवाशहर भी पहले भी हिंदू मेजोरिटी शहर था, आज भी हिंदू मेजोरिटी शहर है, रोपड़ शहर में 32%, खरड़ में 30%,
पटियाला शहर में 39% हिंदू थे, नाभा में 43%, संगरूर में 47%, मलेरकोटला में 21%, उसके बाद बरनाला में 38%, बठिंडा 39, फरीदकोट 23, मुक्तसर 48, अबोहर दोस्तों 70%, फाजिलका 66%, फिरोजपुर 42%, मोगा 42%, लुधियाना दोस्तों मेंशन करना भूल गया, 31% हिंदू थे लुधियाना शहर में 1947 से पहले। अब दोस्तों आप शहर वाला जो डाटा है 1947 से पहले, उसको आप अगर आपको आज से कंपेयर करना है तो हमारा पिछला वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं अपने एक फ़ोन में, हमारा आज का वीडियो जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं वो खोलें और अपने दूसरे फ़ोन में हमारा पिछला वीडियो खोल लीजिए, तो आप साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं सिटी पॉपुलेशन वाइज, तहसील वाइज हिंदू पॉपुलेशन और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिंदू पॉपुलेशन आप कंपेयर कर सकते हैं। ये कुछ हमारी कोशिश थी पंजाबी हिंदू के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की। अब ये हिंदू पॉप, अब उसके बाद आपको पता है वेस्ट पंजाब से भी 1947 जब पार्टीशन हुई तो वेस्ट पंजाब से भी काफ़ी हिंदूज को निकल के ईस्ट पंजाब के एरियाज़ में, कुछ ईस्ट पंजाब के एरिया में नहीं सेटल हुए, कोई आज के दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इवन MP, महाराष्ट्र तक भी सेटल हुए हैं। तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेटलमेंट पैटर्न बताऊँ थ्रू मैप। अब तक के लिए मैं आप दोस्तों आपको यही वीडियो दिखाऊँगा, इतनी यहीं तक आपको मैं आपसे बात कर पाया हूँ। अब आपकी इजाज़त चाहूँगा, अब के लिए अलविदा, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, आपको हमारी थोड़ी सी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी जो कि हमने पंजाबी हिंदू के बारे में आपको दिखाई है। थैंक यू।